Foran Imran sahab ko phone kiya, Foran Imran sahab ko phone kiya. दो तीन मिनट ही में उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी. मैं इमरान भाई का और अता भाई का, आमिर भाई का, अफजल भाई का, इरफान साहब का और कौन कौन जितने जिम्मेदार तीन दिन से तो ये नौजवान साथी हैं, खास तौर पर शहबाज साहब और खास तौर पर हर दो तीन घंटे को एक मरतबा मैं इमरान भाई को फोन करता था, पूरी तसल्ली के साथ जवाब देते रहे और बोलते रहे कि हजरत इंशाल्लाह ताला जाते वक्त आपको लेकर जाएंगे हम लोग, बच्चों को लाकर उनको रुख्सत करने तक बराबर साथ देंगे हम लोग. इन तमाम हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मदारिस के मसले में बहुत दिल खोलकर सामने. एशियन टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है, मैं इब्राहिम आपके साथ. दोस्तों, दो दिन पहले आपने देखा था किस तरह से मुसलमान बच्चे जो बिहार से ट्रेन में बैठ कर बेंगलोर का सफ़र करते हैं, उन बच्चों को चाइल्ड ट्रैफिकिंग बोलकर पकड़ा गया था. और जैसे ये बात पैदरायनपुरा के कॉरपोरेटर इमरान पाशा को पता चली, इमरान पाशा और उनके टीम ने जो है वहाँ पर आकर इंस्पेक्टर से और बहुत से वहाँ से कमेटी मेंबर्स को बात कर जो है बच्चों की रिहाई का इंतज़ाम किया था. जी हाँ दोस्तों, आज दो दिन बाद इमरान पाशा और उनके भाई इरफान पाशा जो JDS के लीडर हैं, इन दोनों के भाइयों की मेहनत से, जिद्दोजहद से, वो कहा जाता है कि अगर किसी काम को दिल से करने की कोशिश करेंगे तो उसके साथ जो है खुदा का साथ होता है, उसी तरह से आज उन्होंने 20 बच्चों को जो है रिहा कर दिया है. जी हाँ दोस्तों, आज आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरह से 20 बच्चे भी जो है खुशी खुशी अपने घर वापस जा रहे हैं. तो आज ये बच्चे जो है यहाँ से निकलकर पैदरायनपुरा कॉरपोरेटर इमरान पाशा के रहेंगे और आज रात ये जो है यहीं पर रहेंगे और कल सुबह वापस जो है ये बच्चे बिहार के लिए रवाना होंगे. तो इसमें इमरान पाशा का जो है बहुत बड़ा हाथ रहा है, जिन्होंने बिहार में बात कर इन मासूम बच्चों के डॉक्यूमेंट्स को जो है तैयार किया था. बहुत से बच्चों के जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो इमरान पाशा ने बहुत कोशिश कर दो दिनों में बच्चों के डॉक्यूमेंट्स रेडी कर बच्चों को जो है आज फाइनली उनको रिहा करके अपने गांव जाने के, अपने शहर, अपने मुल्क वापस जाने का जो है इंतज़ाम कर दिया है. तो आप देख सकते हैं तस्वीर. तो ये था गोरी पड़िया पैदरायनपुरा के कॉरपोरेटर इमरान पाशा की मेहनत का नतीजा. आज जो है अल्लाह की मेहरबानी से बच्चों को रिलीज किया गया आपके सामने. ये जो है दो तीन दिन पहले जो प्रॉब्लम हो गया था, जैसा ही मुझे मालूम पड़ा हजरत के ज़रिए से, तो इमिडिएटली मैं तुरंत पहुंच गया. लेकिन सुबह में हुआ था वो 11 बजे, 11:30 बजे मुझे मालूम कराते कराते 4:30 या 5 बज गए. तो जिसके वजह से जो भी RPF वाले, बॉस्को वाले और जो CWC कमेटी फॉर्मेलिटीज़ करनी थी वो कर चुकी थी, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी वो दूसरे एतबार से कुछ लीगल एक्शन भी लेने वाले थे, जिसके चलते जो भी मोहतमिम इनको लेके आए तो उनके पर भी एक्शन होने वाला था, केस लगाने वाले थे कानून के तहत, चाइल्ड वेलफेयर एक्ट के तहत. तो अल्लाह की मेहरबानी, हमारे उलमा इकराम की दुआ, बुज़ुर्गों की दुआ कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, सही सलामत सेफ्टी से जो है हम आज बच्चों को लेके है. आर्टिकल 20 और 21 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमको पूरी इजाज़त देता है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर किसी को लिबर्टी है, फ्रीडम है, आज़ादी है, कोई भी कहीं भी घूम सकता है, कोई भी कहीं भी जा आ सकता है, उसके लिए किसी को रोकने के लिए राइट्स नहीं है. ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 20 और 21 बताता है. बट जब चाइल्ड वेलफेयर एक्ट का भी मसला आता है तो आप लोगों को पता है कि बहुत सारे बच्चों को काम को रख लिया जाता है, बहुत सारे बच्चों को लेकर लेबर और दूसरे काम में लगाकर अपना जो भी मीडिएटर्स, जो भी जो ब्रोकर्स रहते हैं, मिसयूज़ करते हैं. तो उसके चलते जो कानून इसके लिए भी बना है, कानून उसके लिए भी बना है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ों का सामना हमको करना पड़ा. लेकिन चलो अल्लाह की मर्ज़ी, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ क्या कि आज क्या कि कर लिए, हो गया सब मिलके खड़के. हमारे उलमा इकराम भी आपको बताएं, आगे से कोई भी अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जा रहा है तो उसके पास
फोटो कॉपी, आधार कार्ड तो है, उसके अलावा फोटो कॉपी उसकी फैमिली की अटेस्टेड होते हुए, जो डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट जाता हो तो वहाँ का फोटो अटेस्टेड कॉपी होना चाहिए, अगर लोकल में स्टेट में रहा, अगर स्टेट वाइज नेशनल में जाने का रहा, स्टेट टू अनदर स्टेट दूसरा स्टेट जाता हो तो उसके लिए भी जो ग्राम पंचायत लोकल सिविक बॉडीज जो भी होते हैं तो वहाँ का एक फोटो अटेस्टेड कॉपी रहेगा अलॉन्ग विथ CWC कमिटी कंसिडरेशन, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम में नहीं आती। तो इसके लिए मैं तमाम हमारे बेंगलोर शहर के और कर्नाटक के तमाम उलमा इकराम को, हमारे शबलुर शाद के हजरत को और तमाम को मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जो है इसके ऊपर फिक्र करें, और ताकि आपके बोलने से एक ऐसा मैसेज जाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग अमल करेंगे, और एक सर्कुलर इशू करो आप, तो यहाँ से बिना डॉक्यूमेंटेशन के कोई भी कहीं भी डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट हो या फिर स्टेट टू स्टेट हो, बच्चों को ले आ जाने का मदरसों के लिए स्कूल्स के लिए नहीं करेंगे अगर